मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट, देश भर के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव, कई राज्यों में फिर होगी भारी बारिश, मानसून सक्रिय। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन का प्रभाव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली NCR, हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव बन सकता है, जिसके चलते भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव से भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के में मानसून की गतिविधियों में तेजी आएगी, भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज 18 सितंबर को राजस्थान राज्य के इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। में आज उदयपुर, टोंक, सीकर, चौहमाधोपुर, राजमन, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, बैतपुर, बारा, बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर, बीकानेर संभाग के जिलों में भी गरज और चमक के साथ में बारिश देखने को मिल सकती है। तेज गति से हवाएं भी चल सकती हैं। इस राज्य की ओर बढ़ेगा निम्न दबाव का क्षेत्र, इन इलाकों में होगी भारी बारिश, बाढ़ को लेकर के भी अलर्ट। में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चंबल, सागर, शहडोल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। जिन संभाग में बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। में 18 सितंबर को विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, भोपाल, शिवपुरी, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, अशोकनगर, सागर, दतिया, दमोह, भिंड, पन्ना, रीवा, कटनी, सतना, उमरिया में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सतना, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंडी, मुरैना, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब हरियाणा, दिल्ली NCR में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 18 और 19 सितंबर के दौरान इन इलाकों में तेज गति से हवाएं चलने, हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। पूरे इलाके के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दबाव के प्रभाव से उत्तर प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी भारी बारिश, बाढ़ वाले जिले होंगे वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, इटावा, इन इलाकों में मध्यम बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक काफी व्यापक बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है, तो कुछ स्थानों पर तूफानी बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में बाकी जिलों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी, तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हरियाणा राज्य में आज 18 सितंबर को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल में भारी बरसात को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।